एजीज किचन से अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और मेरी दुआ है कि जहाँ कहीं भी हो ठीक हो, खैरियत से हो। तो अभी मैं आपके लिए जो बनाने लगी हूँ वो है आलमंड मिल्क। उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो है 2 कप दूध, और इसको हमने पहले उबलने के लिए रख देना है ताकि थोड़ा गाढ़ा हो जाए। तो पहले हम फ्लेम को ऑन करते हैं, बिस्मिल्लाह। और जो इसमें चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता दूँ, 10-12 बादाम लिए हैं और इनको मैंने पील ऑफ कर दिया। यहाँ पे 5-6 इलायचियों के बीज निकाल कर इनको थोड़ा सा पीस लिया। ये आप देख लें आखिर में जो हमने इसके ऊपर डाले हैं बादाम, और ज़ाफ़रान एसेंस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मेरे पास प्योर ज़ाफ़रान इस वक्त मौजूद नहीं है, इसका एसेंस डालेंगे। बस ये गाढ़ा हो और तब तक हम इसकी क्रीम बना देते हैं। बादामों की क्रीम बनती है, इसमें से हम थोड़ा सा दूध लेके इसमें डालते हैं ताकि क्रीम बनाई जाए इसकी। अभी हम देखते हैं ये तैयार हो गई होगी इसकी क्रीम। ये देखें इसकी क्रीम रेडी है, इसको भी यहीं पड़ा रहने देते हैं। बस 1 मिनट में ये और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। साथ में इसमें भी 1 टेबलस्पून ग्राउंड शुगर डालने लगी। आप हंसपे ज़रूरत डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद है, और अगर आपको शहद पसंद है तो आप शहद को ऐड कर लें। अभी ये जो क्रीम मैंने बनाई है आलमंड की, ये बीच में ऐड करते हैं और इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको भी हम डाल देते हैं। अब इसमें चला जाएगा इलायची पाउडर। आलमंड मिल्क तैयार है और इसको भी हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। आलमंड मिल्क रेडी हो चुका है और ठंडा भी हो गया है, इसको मैं पेश करती हूँ आपके लिए। और ये बता दूँ इसमें विटामिन डी होती है, और जिन लोगों में भी डेफिशिएंसी है विटामिन डी की वो इसे ज़रूर पिए, और इफ्तार में बहुत हेल्दी ड्रिंक है। अब इसके ऊपर डलेगा थोड़ा सा ज़ाफ़रान एसेंस, ये देखें 1-2 ड्रॉप्स, और ऊपर से ये हमारा ड्रिंक तैयार है। ज़रूर बनाएं, और वैसे भी ये थोड़े रोज़े रह गए हैं, रोज़ों में भी पिए, गर्मियों में भी ये बहुत अच्छा है, ख़ुद भी पिए, बुज़ुर्गों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और जब भी बनाएंगे पिएंगे मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।